भैया बोलो ऑल इज वेल। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। सुपरस्टार आमिर खान 10 साल तक कपिल शर्मा के शो को नो 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 करते रहे, पर अब फाइनली मिस्टर परफेक्शनिस्ट कपिल के नए एड्रेस पर पहुंच ही गए हैं, जो कि है द ग्रेट इंडियन कपिल शो। पर ऐसा लगता है कि कपिल के शो में आकर आमिर सोचेंगे जरूर, मैं आया क्यों? सोचेंगे क्यों, बताते हैं आपको। दरअसल मजाक में आमिर खान से कपिल शर्मा पूछते हैं तीसरी शादी को लेकर सवाल। ओह माय गॉड, वैसे जो सवाल कोई नहीं पूछ पाता वो कपिल पूछ ही लेते हैं। कपिल कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि आपको सेटल हो जाना चाहिए? इस पर आमिर हंसने लगते हैं। अब क्या ही बोलेंगे इस पे आमिर खान। जी हाँ, इस मोस्ट पॉपुलर शो के अपकमिंग एपिसोड में इस बार आमिर खान कपिल के सवालों में जहाँ फंसते नजर आने वाले हैं, वहीं खूब मस्ती भी होने वाली है। इस एपिसोड को देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने शेयर किए अपकमिंग एपिसोड के टीजर, जिसमें कपिल शर्मा कहते हुए नजर आते हैं, वेलकम कीजिए आप सबके फेवरेट सुपरस्टार मिस्टर आमिर खान का। इसके बाद आमिर खान हाथ जोड़कर ऑडियंस का अभिवादन करते हुए स्टेज पर आते हैं। इस दौरान आमिर बेहद कैजुअल अवतार में दिखे, ब्लू जैकेट और डेनिम जींस, जिसमें वो काफी हैंडसम दिख रहे हैं। टीजर में आगे कपिल शर्मा आमिर खान से कहते नजर आते हैं कि भाई उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे शो में आएंगे। इसके बाद सुनील ग्रोवर जो कहते हैं उसको सुनकर सबकी हंसी छूट जाती है। सुनील ने कहा 1500 रुपए देते तो हम लोग आ जाते। इस पर आमिर खान हंसते हुए कहते हैं कि हाँ हम आ जाते। इस दौरान आमिर खान कपिल शर्मा के सामने अपना दुखड़ा रोते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, दरअसल एक्टर कहते हैं कि आज मेरे दिल की बात निकलने वाली है, मेरे बच्चे मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। ये सुनकर कपिल शर्मा की हंसी छूट जाती है और बाकी ऑडियंस भी ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। इसके बाद आमिर खान कहते हैं कि आज मैं ये पहनकर आया हूँ, इस पर भी अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है। इस पर अर्चना कहती है अच्छे तो हो यार। वहीं आमिर खान कहते हैं कि हालांकि मैं तो शॉर्ट्स पहनकर आने वाला था, लेकिन उन्होंने जींस बोला, उफ मैं तो थक गई साहब। पर आप मत थकना, क्योंकि अभी तो हंसी की पार्टी शुरू हुई है। इसके बाद अर्चना पूरन सिंह आमिर खान से सवाल करती है कि अवार्ड लेने तुम क्यों नहीं जाते हो। इसके जवाब में आमिर खान हंसते हुए कहते हैं कि वक्त बहुत कीमती है, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। कपिल आगे आमिर से कहते हैं कि फिल्म पीके में आपने जो रेडियो पकड़ा था, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ऊपर नीचे हो जाती आपको डर नहीं लगा? क्योंकि फिर तो सारा ब्रॉडकास्ट वही हो जाएगा। इस पर आमिर खान ने कहा उस सीन में मुझे भागना था यहां से वहां, जब तक मैं चल रहा हूं तब तक तो ठीक था। आमिर खान की ये बात सुनकर हर कोई हंसने लगता है। इतना ही नहीं, डफली के साथ भी आमिर खान खूब मस्ती करते नजर आएंगे। आमिर इस दौरान द ग्रेट इंडियन कपिल शो की कास्ट के साथ अपना आइकॉनिक स्टेप भी करते दिखेंगे। फिलहाल टीजर देखने के बाद ये तो क्लियर हो चुका है कि ये एपिसोड खूब एंटरटेनिंग होने वाला है। हालांकि अब इसे देखने के लिए फैंस का इंतजार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई नहीं, इंतजार का फल मीठा होता है, तो ये भी वही होगा, बेहद मस्ती और रसगुल्ला जैसे सबसे ज्यादा मीठा। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।